कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मज़ेदार सा व्लॉग जो है वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज बारबेक्यू हम लोगों ने किया था, बहुत मज़ेदार सा स्पेशल सा व्लॉग है। तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ मज़ेदार से जो मैंने टिक्के बनाए थे और सीखा बनाए थे उनकी रेसिपी डिटेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास है तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन है। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से ना कट्स लगा लिया चिकन के, क्योंकि पीस थोड़े बड़े थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ना गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हरा मिर्चे, 1 टीस्पून लाल मिर्चे, नमक 1 टीस्पून है, हल्दी थोड़ी सी है, और सूखा धनिया जो वो भर के 1 टीस्पून है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, साथ में लेमन का जूस है मेरे पास, वो तकरीबन मेरे पास 2 लेमन का जूस है जो बड़े साइज़ के थे। आपके पास अगर छोटे हो तो आप 4 भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास नेचुरल का ना चिकन टिक्का, ठीक है, उसका मसाला है। वैसे तो मैं शान के मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन नेशनल का आ गया क्योंकि मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो खैर इसके साथ कर लेते हैं। मैं स्पाइसेस और ज़्यादा ऐड कर दूंगी जो मैंने घर के मसाले थे। ठीक है, तो ये आपके सामने सब चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है, चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, तो उसमें कट्स लगा लिए थे क्योंकि ये स्पेशल टिक्के वाली बोटियाँ नहीं थी। अगर आप चाहें तो आप टिक्के वाली भी बोटियाँ बनवा सकते हैं, मेरे पास नॉर्मल चिकन पड़ी हुई थी। ठीक है, तो उसको मैंने फिर ये वाला काम किया। उसके बाद मैरिनेट करते हैं, तो उसमें मैंने सबसे पहले चिकन में डाले सारे मसाले। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस थे, ठीक है, 2 बड़े साइज़ के, इसके जो बीज थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए थे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार से खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये मेरे पास ना बिल्कुल वो हुआ था, पेस्ट बना हुआ था, लेकिन आप अगर कुंडी सोडा में कूट के इसको फ्रेश ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो मसाला था वो। अच्छा, यहाँ पर ना 8 पीसेस लिखे हुए थे मेरे पास, 1 से 1.5 किलो था चिकन, लेकिन मैंने इसमें पूरा ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने घर के मसाले भी ऐड किए हैं। हाँ, अगर आप लोग घर के मसाले नहीं ऐड करते, आप वो स्किप कर देते हैं, तो आपके लिए 1 किलो में ये बहुत होगा, लेकिन फिर भी नमक वगैरह ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं जैसे आपको मसाले अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें जो फुल पैकेट था ना वो यूज़ नहीं किया, मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया और बाकी जो था वो मैंने रख दिया था। तो अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से ना मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कट्स के अंदर भी अच्छे से लगा रही हूँ मसाले को, ताकि वो अंदर तक चला जाए, ताकि चिकन बहुत जूसी जूसी से और उसका मसाला जो वो अंदर तक चिकन के चला जाए। तो यहाँ पे जो था वो बिल्कुल रेडी था, मैंने मसाले वगैरह जो थे अच्छे से लगा दिए थे। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मसाले लगा लिए थे, तकरीबन सुबह 12 बजे के टाइम, 1 बजे के टाइम मैंने लगा लिया था। और बारबेक्यू जो था वो तकरीबन 7-8 बजे हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ना शिमला मिर्च वो और प्याज जो है उसको कट कर रही हूँ क्यूब्स की शक्ल में। तो वो जब आप टिक्का बोटी के अंदर ना साथ साथ आप ऐसे करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने गोश्त के टिक्के नहीं बनाए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो चिकन के मैंने टिक्के बनाए थे और ना सीख कबाब बनाए थे इसके गोश्त के। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर गोश्त जो था उसको मैंने, जो कीमा था सॉरी, उसको अच्छे से मैंने धो के उससे मैंने रख दिया ताकि उसका अच्छे से उसका पानी निकल जाए, क्योंकि हम लोगों ने कबाब बनाने हैं। ठीक है, तो कबाब में आपको पता है बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून, बेसन है 1 टेबल स्पून, और साथ में ऑयल है 1 टेबल स्पून, 1 अंडा है, और प्याज हरी मिर्चों का पेस्ट है जिसके अंदर से मैंने अच्छे से ना पानी निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा चॉपर ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको ना ग्राइंडर में किया, उसके बाद मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल दिया था। ठीक है, तो आप भी इसको ना चॉपर में ही चॉप कीजिएगा क्योंकि उसका पानी हम लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, फिर वो ना कबाब चिपकते नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर ना लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर ना मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के
मैंने बेसन डाला था, लेकिन मेरा जो चम्मच था ना वो थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने ज़रा उसमें दो ऐड किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जो एग है ना वो फुल ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तकरीबन, अच्छा, नमक मैंने इसमें कम डाला था, तकरीबन हाफ टेबल स्पून और ना टेबल स्पून सॉरी टी स्पून, ठीक है, और बाकी नमक मिर्ची सब चीज़ें थी। और यहाँ पर जो मेरे पास है मसाले का पैकेट वो मैंने इसके अंदर हाफ डाला है, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाला। चिकन टिक्का में मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, इसमें मैंने हाफ ऐड किया क्योंकि इसमें मैंने बाकी मसाले भी डाले थे। और ये गोश्त सॉरी ये कीमा जो था तकरीबन मेरे पास आधा किलो किलो कुछ इस टाइप का था, तो लेकिन ये कि मसाले बहुत अच्छे बने थे। इसका मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि अगर आप मसाला चेक करना चाहें बारबेक्यू से पहले कि उसमें नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, तो आप ना थोड़ा सा इसको ना किसी तवे पे या किसी फ्राई पैन में थोड़ा सा फ्राई करके चपली कबाब की तरह फ्राई कर लें, तो जब वो पक जाए तो सिर्फ आप खा के टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि उसमें नमक ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है। तो ये तरीका मैंने भी किया था। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद ना चटनी जो थी वो मैं बना रही थी, तो चटनी जो उसके अंदर दही के अंदर मैंने क्यूज जो बना के रखे ना तो मुझे बहुत हेल्प होती है, तो बस मैंने वो डाला और वहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं ये ना बारबेक्यू के लिए, अब पहले तो हम लोग वो यूज़ करते होते थे, कोई ब्रश होता था वो तो या कपड़ा। उसके बाद ना ये जो था ना मैं लेके आई थी $1 शॉप से, और ये बहुत मज़े की चीज़ थी। इसके अंदर ऑयल डालो और इसको ऐसे शेल्फ पे भी रख दो ना तो ये आराम से ना स्टे कर जाता है, बिल्कुल भी आपको ना मतलब तंग नहीं करेगा, गिरेगा नहीं। और मज़े की बात ये कि जब आप ना बारबेक्यू करोगे ना तो जितना आपको ऑयल चाहिए होगा आप इसको प्रेस करोगे उतना ऑयल आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सीखें थी ना इनको मैं वॉश करूँगी क्योंकि ना ये जितनी भी धो लो तो इनको ना जंग लग ही जाता है। तो खैर जो बारबेक्यू की सारी तैयारी थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैरिनेशन वगैरह हर चीज़ ना कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने बाहर सेटअप लगा दिया था क्योंकि अंदर तो हम लोग जाहिर से बातें नहीं कर सकते, छत पे भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग छत पे नहीं गए। और हम लोगों ने ना हमारे मेरा जो घर है ना उसके थोड़ा बाहर ना इस तरह का एरिया है, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया था सारा अच्छे से। मैंने चादर वगैरह लगाई, कुशन वगैरह लगाए और हर चीज़ मैंने ना शीट वगैरह बिछा के तो वहाँ पर सब चीज़ें रख दी थी। तो यहाँ पर ना जो है बारबेक्यू का टाइम हुआ जाता है, हम लोगों ने कोयले शोले पका भूल लिए, तो उसके बाद ना यहाँ पे जो मियाँ साहब थे वो अपनी ड्यूटी पे सही एक्टिव हो चुके थे और यहाँ पे वो अच्छे से सारा सेट वगैरह कर। यहाँ पे पकना वगैरह जो था वो स्टार्ट हो गया था। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने घर में बारबेक्यू किया। मैं नाहिल छोटी सी थी तो तकरीबन 1.5 साल की थी तब मैंने की थी, और उसके बाद मतलब कि तकरीबन इतने टाइम बाद मैं कर रही थी, तो बड़ा मज़ा आया और मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन ये कि मुझे बनाना नहीं आता था, पिछली दफ़ा इतना अच्छा मैंने बनाए नहीं थे लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छे बनाए। वही कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ को करते हो ना तो उसी के बाद ही आपको बनाना आता है। तो अब तो मैंने सोच लिया कि इंशाल्लाह हर साल मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं अच्छे से अच्छा बना सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा था और जो ये चिकन के टिक्के थे ना इतने मज़ेदार गले थे क्योंकि मैरिनेशन हमने इतना अच्छा किया था। उसके बाद उसमें हम लोगों ने जो लेमन का जूस ऐड किया था ना उसकी वजह से वो इतने मज़ेदार बने थे कि बहुत मज़ेदार बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट थे और चिकन बिल्कुल गला हुआ था। तो यह कि ये डन हो चुके थे, आधे ये चीज़ें होगी। तो इसके बाद यहाँ पे कबाब जो थे ना वो बन के आए थे और ना ये बीच में से पता नहीं क्यों टूट गए थे, शायद ये जो सीख है ना ये वो वाली नहीं थी, मतलब कि कबाबों वाली सीख नहीं थी, टिक्के वाली सीख थी, तो शायद उस पर स्टे नहीं कर पा रहे थे। और मुझे इतना कोई खास कबाब लगाना भी नहीं आती क्योंकि हमारी फैमिली में ना मेरी भाभी हैं जो कबाब लगाती हैं बहुत अच्छे से लगाते हैं, तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम शायद या सेकेंड टाइम मैंने ये ट्राई किए थे, तो खैर अच्छे बन गए थे। तो यहाँ पर जो थे ये निकाल रहे थे हस्बैंड, कुछ उन्होंने जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज़ी में निकाले ना तो वो टूट भी गए थे। जो फिर जो टूट गए थे ना वो सब मैंने ना हम लोगों ने आगे हम लोग कढ़ाई बनाएंगे वो भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ शेयर करती हूँ, तो उसके अंदर हम लोग ने यूज़ कर लिए थे। और जो बाकी जो सही सही थे साबा साबा थे उनको फिर हम लोग ने इसी तरीके से खा लिया था।
जहाँ पे हमने कोयलों पे ही ना हम लोगों ने जो सीख कबाब थे ना उसकी ना हांडी बना ली थी, सिंपली ऑयल के अंदर डाला टमाटर और सब मसाले वगैरह ऐड किए, उसके बाद उसको अच्छे से जैसे मसाला बनाते हैं उसके बाद हम लोगों ने उसमें डाल दिए कबाब, तो बहुत मज़े के बने थे। सही कोयलों के ऊपर आप सोच ही सकते हैं कितने मज़े की हांडी बनी होगी, कढ़ाई बनी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक, सब चीज़ें डन हो चुकी थी और ये थे कबाब जो बिल्कुल साबत साबत आए थे ना, तो ये वो थे, ठीक है। बाकी जो टूट गए थे ना तो वो मैंने हांडी में डाल दिए थे। और यहाँ पर जो चिकन टिक्का था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया था। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ना चिकन टिक्का लगा था, उसका टेस्ट बहुत मज़े का था, लेमन की वजह से जो आता बहुत मज़े का था और कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी। तो ये फाइनल सब चीज़ें थी। और किस तरीके का आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको जो रेसिपी है ना वो शेयर किया, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको कोई हेल्प मिली हो या कोई टिप मिली हो। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ना अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ, मज़ेदार सी, जैसे वो शादियों वाली नहीं होती सेम वैसी मैंने अपनी जो प्लेट है ना वो रेडी किया। एक ही छोटी सी प्लेट में सब कुछ एडजस्ट किया, चटनी तक इसके अंदर मैंने एडजस्ट किया है, और इतने मज़े की लग रही थी ना, और जितने मज़े की ये देखने में लग रही थी ना प्लेट, सच में सीरियसली उतनी ही खाने में मज़े की थी। यानी कि मैंने खुद बनाया है लेकिन मज़े की थी। आपको पता है कि बारबेक्यू बने तो बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ये रेसिपी। और इसके बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बारबेक्यू और ये सब चीज़ें ना होता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये फाइनल लुक थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत से मज़ेदार व्लॉग्स आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।